आज हम बनाएंगे फटाफट बन जाने वाले नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर बाउल लिया है। इस बाउल में सबसे पहले हम कटे हुए थोड़े से धनिया के पत्ती को डालेंगे और एक टमाटर को मैंने 4 भागों में काट लिया है, इसे भी हम यहीं पर डाल देते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैंने एक ही टमाटर लिया है, अगर आपको टमाटर पसंद हो तो इससे आप ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने 3 मिर्ची को बीच से काट लिया है, इसे भी हम यहीं पर डाल देंगे। आप मिर्ची अपने अनुसार लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम मिर्चा डालने वाले हैं। और मैंने 1 इंच अदरक को बारीक काट लिया है, इसे भी हम यहीं पर डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि इससे एक महीन बैटर तैयार कर सकें। ठंड के कारण हम बहुत लेट उठते हैं, जिसकी वजह से सुबह का नाश्ता बनाने में हमें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत इजी तरीके से आप इसे बना पाएंगे। तो हमने इसे पीस लिया है कुछ इस तरह से, हमने इसे ज़्यादा दरदरा नहीं रखा। आपको ये नाश्ता बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आटा भी नहीं गूंदना है। इसके लिए हम एक बैटर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक मिक्सी बाउल लिया है, उसमें 1 प्याली आटा डाला है, आप अपने हिसाब से डालिए। और मैंने यहाँ पर 1 प्याली कॉर्नफ्लोर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पर 1 प्याली सूजी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 प्याली बेसन ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसे हमने पहले ही चाल लिया है, आप भी इसे चाल कर ही लें। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने जो मिर्चे वाले पेस्ट तैयार किए हैं, उसे हम यहीं पे डालेंगे। और साथ ही में यहीं पे आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल लीजिए। सुबह के टाइम तो सब्जियों में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मेरे पास जो भी था उसे ही मैंने शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 कटी हुई प्याज, अगर आपको पसंद ना हो तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। और मैंने 2 टमाटर को बारीक काट लिया है, तो यहाँ पे आधे टमाटर को हम यहाँ पे डालेंगे और आधे डेकोरेशन के लिए रखेंगे, जो आगे हमें काम देगी। तो यहाँ पे आधे टमाटर को हम डाल लेते हैं। और मैंने बहुत सारा धनिया का पत्ता काटा है, जिसे हम यहीं पे डालेंगे। आधे को मैंने पेस्ट में डाला था और आधे यहीं पे हम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से टमाटर और थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च को बचा लिया है, उसे हम आगे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हरे हरे धनिया के पत्ते और टमाटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे गोभी, बंधा या फिर मटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे एक बैटर बनाएंगे। ये बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक। तो हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक थिक बैटर तैयार कर लिया है। ये बैटर ना तो पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो मैंने यहाँ पे मसालों का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो हल्दी पाउडर या फिर मिर्चा पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढककर रेस्ट करने देंगे। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने फ्राई पैन गर्म कर लिया है, इसे थोड़ा सा तेल डालकर इसे ग्रीस कर लेंगे। इस बैटर को मैंने 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखा था, अब हम इसे फिर से एक बार चला लेंगे। इस तरह के नाश्ते बच्चे अक्सर पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे मोटा या पतला डाल सकती हैं। मैंने कुछ इस तरह से इसे डाला है। हम इसे एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि ये आमलेट जैसा बन सके। बच्चे जो हैं इस तरह के आमलेट बहुत पसंद करते हैं, आप चाहें तो इसमें यहाँ पर चेरी वगैरह भी डाल सकती हैं। हमने जो टमाटर और धनिया के पत्ते और थोड़े से मिर्ची बचाए थे, उसे यहीं पर डेकोरेट करेंगे, ताकि पिज़्ज़ा जैसा लग सके। और जब ये थोड़ा सिख जाए, तो ऊपर से हम तेल डालकर थोड़ा थोड़ा ग्रीस करेंगे। ऐसा करने से बहुत ही कम तेल में हम इसे बना पाएंगे। तो लगभग अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे पलट लेते हैं। तो इस नाश्ते को हम 2 मिनट फिर से सिकने देंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बन सके। ये नाश्ता बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने लगभग 5 मिनट तक दोनों तरफ से इस नाश्ते को सिकने दिया है, और ये अब बनकर पूरी तरह से रेडी है। तो लग रहा है ना टोमेटो ऑमलेट। तो आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच के लिए, टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, ये खाने में भी बहुत लाजवाब है। तो सुबह के जल्दी जल्दी में आप इस नाश्ते को बनाइए और 3 से 4 खा जाएंगे, क्योंकि है ही इतना टेस्टी। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।